इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुपरफास्ट 200 के बाद अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है। पीएम मोदी और जो बाइडेन की यह मुलाकात 23 सितंबर को हो सकती है। क्वाड समिट के लिए पीएम मोदी की अमेरिका जाने की तैयारियां हो रही हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जो प्रोग्राम अब तक सामने आया है उस प्रोग्राम के मुताबिक पीएम मोदी 22 सितंबर को वॉशिंगटन जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ 23 सितंबर को द्विपक्षीय वार्ता उनकी हो सकती है और उसके बाद 24 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समिट में शामिल हो सकते हैं। क्वाड समिट के बाद पीएम मोदी वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 25 सितंबर को यूएनजीए के 76वें सत्र में पीएम मोदी का संबोधन होगा। मेरे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अब तो पूरा प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा, प्रधानमंत्री के यूएस दौरे की बात करें तो वो सामने आ चुका है, क्या इसकी कोई आधिकारिक रूप से पुष्टि? नहीं, निश्चित तौर पर अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी इस बारे में नहीं बताया गया। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जापान के प्रधानमंत्री, जापान के क्वाड का एक अहम देश है, तो वहां के प्रधानमंत्री के वहां आने को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है। जब तक जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जाएगा, जाहिर तौर पर क्वाड के जो कंट्रीज हैं इस बारे में कोई अंतिम फैसला ऑफिशियली नहीं ले सकते, लेकिन आप समझ सकती हैं कि अगर प्रधानमंत्री का दौरा होना है तो ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट नोटिस होगा, और उसके लिए पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है, जो कि ये तैयारियां ऑलरेडी चल रही है और उन तैयारियों के कार्यक्रम के बारे में ही हमने आपको बताया। और जापान के प्रधानमंत्री के बारे में भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वो वहां पे फिजिकली मौजूद रहेंगे, तो ऐसे कंडीशन में ये लगभग तय माना जा रहा है कि वहां पे 24 तारीख को क्वाड की मीटिंग होगी। और निश्चित तौर पर 24 तारीख से पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की एक द्विपक्षीय मुलाकात की भी संभावना जताई जा रही है। उसके बारे में भी काफी होमवर्क किया जा रहा है और वाशिंगटन में जो एडवांस टीम है वो ऑलरेडी ग्राउंड वर्क कर रही है। तो कुल मिलाकर एक बहुत हाई प्रोफाइल और बड़ी बैठक हो रही है। और यूएनजीए की मीटिंग की बात करें तो पीएम मोदी का वहां पर दौरा सिर्फ यूएनजीए मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि क्वाड मीटिंग और बायलैटरल के लिए होगा, क्योंकि यूएनजीए मीटिंग हाइब्रिड मोड पर हो रही है। लगभग तय माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही आधिकारिक पुष्टि भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।